दोस्तों क्या आपको पता है जिस 7-Up लेमन सोडा को आप कोल्ड ड्रिंक समझते हैं वो असल में एक दवाई हुआ करती थी। और क्या आप जानते हैं कि पैन के कैप की हुक से आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोल सकते हैं। और तो और क्या आपको ये भी पता है कि हाई हील्स असल में फीमेल्स के लिए नहीं बल्कि मैन सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा जिस लाइजोल को आप फ्लोर क्लीनर समझते हैं वो असल में वजाइनल डूश हुआ करता था। और तो और कोका कोला को अफीम के एक एडिक्ट इंसान ने इन्वेंट किया था। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में आज आप जानेंगे, तो वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 10, 7-Up लेमन सोडा। 7-Up लेमन सोडा तो आपने पिया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 7-Up लेमन सोडा को इन्वेंट करने का रियल पर्पस क्या था? असल में दोस्तों 7-Up लेमन सोडा का इन्वेंशन एक दवाई के रूप में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत के दिनों में 7-Up लेमन सोडा एक मूड अपलिफ्टिंग दवाई हुआ करती थी। ये दवाई ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको एक्सट्रीम लेवल के मूड स्विंग्स होते थे, और इन अचानक आने वाले मूड स्विंग्स से लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते थे और गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे। तो ऐसे ही लोगों के मूड को चेंज करने के लिए इस 7-Up लेमन सोडा को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लेमन सोडा लोगों के मूड को रिफ्रेश कर देता था, जिसके बाद लोगों को अपनी बीमारी की थेरेपी में बहुत मदद मिलती थी। यही वजह है कि इसे आज भी लोग अक्सर मूड रिफ्रेश करने के लिए पीते हैं। और तो और आज 7-Up अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। नंबर 9, हाई हील्स। हाई हील्स पहनना आज हर लड़की का फैशन बन गया है। पर क्या आपको पता है कि आखिर हाई हील्स का इन्वेंशन क्यों और किसके लिए किया गया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई हील्स असल में कैवलरी सोल्जर्स यानी घोड़े पर बैठकर जाने वाले सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाई हील्स का इन्वेंशन 16th सेंचुरी में पर्शियन कैवलरी सोल्जर्स के लिए किया गया था, ताकि घोड़े पर बैठे सोल्जर्स अलर्ट रहें और अपना निशाना सही से लगा पाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि 16th सेंचुरी में हाई हील्स सिर्फ यूरोप के अपर क्लास के सिर्फ मेल्स यानी आदमी पहना करते थे। असल में दोस्तों अपर क्लास के आदमियों को कोई काम नहीं करना होता था, तो उनके लिए हाई हील्स को पहनना आसान था। हाई हील्स उस जमाने में स्टेटस का सिंबल हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेंड मेल्स से फीमेल्स तक कैसे आया? तो आपको बता दें कि 17th सेंचुरी आते आते फीमेल्स आदमियों की बराबरी करने लगी थी। यही वजह है कि फीमेल्स ने भी हाई हील्स को पहनना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हाई हील्स फीमेल्स के बीच में नॉर्मल हो गई, जिसके बाद आदमियों को लगने लगा कि हाई हील्स अब स्टेटस सिंबल नहीं बची हैं, क्योंकि उन्हें फीमेल्स पहनने लगी थी। तो कुछ इस तरह से हाई हील्स का ट्रेंड मेल्स से फीमेल्स तक पहुंचा। नंबर 8, लाइजोल। लाइजोल का एड आपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा, और आपको अभी तक यही पता था कि ये एक फ्लोर क्लीनर होता है। लेकिन दोस्तों लाइजोल को बनाने के रियल पर्पस को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में लाइजोल को 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस वक्त लाइजोल को एक वजाइनल डूश के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस विमेन की इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करना था। लेकिन असल में ये प्रोडक्ट अपने मेन पर्पस को पूरा करने में बुरी तरह से फेल हो गया था, बल्कि इसे यूज करने वाली विमेन को इससे बहुत से इन्फेक्शन होने लगे थे, जिसके बाद लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। और लोगों के भारी बैकलैश को देखते हुए इसके मेकर्स ने लाइजोल को वजाइनल डूश से बदलकर एक फ्लोर क्लीनर के रूप में दोबारा इंट्रोड्यूस किया। वेल, फ्लोर क्लीनर के रूप में इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी सक्सेस मिली, और ये लगातार पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। नंबर 7, चेनसॉस। चेनसॉ यानी लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक आरी। इसे देखकर आपको गूज बम्प्स आ जाते होंगे। चेनसॉ इतनी पावरफुल होती है कि एक घंटे में एक मोटे पेड़ को आराम से काट देती है। लेकिन क्या आपको पता है, चेनसॉ से पुराने जमाने में इंसानों की हड्डियां काटी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। असल में चेनसॉ को इन्वेंट ही हड्डियां काटने के लिए किया गया था। पहले जमाने में जंग के दौरान सिपाहियों को अक्सर गहरी चोटें लग जाती थी, और उनकी बहुत सी हड्डियां टूट जाती थी, जिस वजह से उनके इलाज के दौरान हड्डियां काटने की जरूरत होती थी। किसी भी दूसरे इक्विपमेंट से हड्डियों को काटना बहुत दर्दनाक होता था, इसीलिए चेनसॉ का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इससे कम वक्त में हड्डियां कट जाती थी। अब जैसे जैसे जंग खत्म होने लगी, चेनसॉ का इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए शुरू कर दिया गया, और आज भी चेनसॉ को पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, गैप इन पब्लिक बाथरूम्स गेट। आपने पब्लिक बाथरूम के गेट्स में इस तरह के गैप्स को नोटिस किया होगा, जिसकी वजह से आपको अक्सर बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैप आखिर क्यों बनाया जाता है? दरअसल दोस्तों, ये गैप बनाया ही लोगों को अनकंफर्टेबल करने के लिए गया था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये पब्लिक बाथरूम्स घर जैसे कंफर्टेबल बनाए जाते तो लोग इनके अंदर भी घंटों तक बैठे रहते, जिससे बाकी के लोगों को परेशानी हो सकती थी। तो इस गैप की मदद से बाहर वाला इंसान देख सकता है कि अंदर कोई है, और आपको भी पता चल जाएगा कि बाहर कोई वेट कर रहा है। इसके अलावा किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप इस गैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हो, इस गैप के पीछे का लॉजिक तो बहुत सही है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, तो दोस्तों हमारा एक एम है कि हमें जल्दी ही 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 5, टाइज।
आज के इस मॉडर्न एरा में टाई फॉर्मल ड्रेसिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, टाई शुरुआत से ही फॉर्मल ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं थी। और तो और, टाई के शुरुआती दिनों में टाई आज की मॉडर्न टाई से बहुत अलग दिखती थी। असल में आज के करीब 200 साल पहले के जमाने में लोग ठंड से बचने के लिए अपनी गर्दन पर एक कपड़ा बांध लेते थे, बिल्कुल एक हैंडकरचीफ की तरह। इसके अलावा क्रोएशिया के सोल्जर्स भी जंग के दौरान अपनी गर्दन पर एक जैसा कपड़ा बांध लेते थे, जिससे वो जंग के मैदान में अपने सोल्जर्स की पहचान कर पाए। जबकि एक ऑफिशियल टाई को फ्रांस ने फ्रेंच वॉर के बाद इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त टाई को बस अपर क्लास के लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 4, लिस्टरीन। दोस्तों, इंडिया में ऑलमोस्ट 45% लोग लिस्टरीन माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये लिस्टरीन एक माउथ वॉश से पहले क्या हुआ करता था? आपको जानकर शौक लगेगा कि लिस्टरीन को शुरुआत में एक फ्लोर क्लीनर की तरह मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको जर्म्स और इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, ठीक आज के डिटॉल लिक्विड की तरह ही। लेकिन फ्लोर क्लीनर के रूप में लिस्टरीन को मार्केट में हाई कंपटीशन की वजह से ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी और लिस्टरीन बुरी तरह से फेल हो गया था, जिस वजह से लिस्टरीन के मेकर्स ने इसके इंग्रेडिएंट्स को बदलकर इसे दोबारा से लिस्टरीन माउथ वॉश के रूप में रिलॉन्च कर दिया, जिसे असल में लोगों ने बहुत पसंद भी किया। नंबर 3, कोका कोला। कोका कोला ड्रिंक का नाम आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कोका कोला को क्यों और किसने इन्वेंट किया था? चलिए हम आपको बताते हैं। कोका कोला को जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने इन्वेंट किया था। असल में दोस्तों, जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला ड्रिंक को US सिविल वॉर खत्म होने के बाद इन्वेंट किया था। सिविल वॉर के बाद जॉन को मॉर्फिन यानी अफीम पेन किलर की लत लग गई थी। जॉन ने इस ड्रिंक को मॉर्फिन के एडिक्शन को कम करने के लिए बनाया था। उस जमाने में जंग से लौटे हुए लोगों को अक्सर मॉर्फिन यानी अफीम की लत लग जाती थी। जॉन पेम्बरटन ने कोका लीव से एक ड्रिंक को इन्वेंट किया, जिसका नाम उन्होंने पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका रखा था, जिसके लगभग 2 दशकों बाद ये ड्रिंक काफी मशहूर हो गई थी। और इस पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका में कुछ बदलाव किए गए, जिसके बाद इसे कोका कोला का नाम दिया गया, जिसे आज हमारे घरों में कैजुअली पिया जाता है। नंबर 2, WD-40। आज के मॉडर्न जमाने में WD-40 स्प्रे काम को आसान बना देता है। चाहे इसे बाइक पे इस्तेमाल करना हो या फिर किसी स्क्रू की जंग को हटाना हो, ये WD-40 हर जगह काम आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस WD-40 स्प्रे का इन्वेंशन क्यों किया गया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्प्रे को असल में World War II के दौरान इन्वेंट किया गया था। इसे असल में मिसाइल की आउटर लेयर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ताकि मिसाइल पर किसी भी तरह की जंग यानी कि रस्ट ना लगे। खैर, अब इतनी वॉर्स नहीं होती हैं और ना ही ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें इस स्प्रे को इस्तेमाल करके मिसाइल्स बनाई जाएं। और इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे WD-40 स्प्रे के दूसरे यूजेस को पहचानना शुरू कर दिया। यही वजह है कि WD-40 स्प्रे आज घर घर में पाया जाता है। नंबर 1, पैन हुक। पैन एक ऐसी कॉमन चीज है जिसे आप हर रोज एक बार तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। आज तक आपको यही पता था कि पैन के इस हुक से आप पैन को अपनी पॉकेट या नोटबुक में लगाकर या अटैच करके रख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पैन के इस हुक से आप कोल्ड ड्रिंक के कैप को खोल सकते हैं। पर दोस्तों, इस तरह पैन की कैप से ढक्कन खोलना आसान नहीं होता है, बल्कि इसकी एक ट्रिक होती है। हुक से कैप को खोलने के लिए आपको पैन के हुक के नुकीले हिस्से को कोल्ड ड्रिंक के कैप के नीचे रखकर उसे ऊपर की तरफ पुल करना होता है। आपको बता दें कि बहुत कम लोग ही इस तरह से ढक्कन को खोल पाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।